हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज हम सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे, तो इसलिए प्लीज़ एक्सेप्ट माय वार्म कॉर्डियल विशेज। व्लॉग तो पुराना है बट आज है वैलेंटाइंस डे, इसलिए आई थॉट कि मैं आपको विश कर देती हूँ। व्लॉग बाय द वे है संडे का, जो कि सैटरडे नाइट से शुरू हुआ था। सैटरडे नाइट को मैं और शर्मा जी देख रहे थे एक सीरीज़, और बच्चे लोग लगे हुए थे अपने काम में, उनका पियानो और ड्राइंग का इंटरेस्ट लगा रहता है, तो वो दोनों साथ में मिलकर ऐसी एक्टिविटीज़ करती हैं। और थोड़ी देर बाद वीकेंड पे स्पेशली हमारे घर में सबको रात में ना याद आने लगती है मैगी की, चलो मम्मा मैगी बनाओ या तो पॉपकॉर्न बनाओ। ये दो चीज़ें वीकेंड पे डिनर के बाद जब हम लोग एंटरटेन हो रहे होते हैं तब ज़रूर किसी ना किसी को याद आ जाती है, तो आई थॉट चलो फटाफट से मैगी बना लेते हैं। वैसे भी रात की जो मैगी होती है ना, उसके तो मज़े ही अलग होते हैं। यहाँ वडोदरा में ना नाइट लाइफ उतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बट आई नो दिल्ली मुंबई साइड 3 बजे की चाय और मैगी इज़ क्वाइट फेवरेट। और सैटरडे को हम लोग थोड़ा सा लेट ही सोए थे, तो संडे को थोड़ा सा लेट ही जागे। उसके बाद संडे यूजुअली मैं करती हूँ डस्टिंग ज़्यादा करके, क्योंकि हर रोज़ उतना मुझे टाइम मिलता नहीं है कि मैं अच्छी तरह सब जगह सफाई कर सकूँ। संडे या सैटरडे में से कोई ना कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ, तो वही दिन होता है मेरा ये डीप डस्टिंग वस्टिंग करने का। तो जो कुछ वो सारी चीज़ें जो हफ्ते भर में नहीं मैंने टच की हैं अच्छी तरह से, जैसे कि टीवी का बैक साइड हो गया, ये सब स्विच बोर्ड कॉर्ड्स वगैरह हो गए, इनफैक्ट आगे भी आप देखिएगा, तो ये सभी चीज़ें जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन मैं साफ़ कर देती हूँ, फिर अगले हफ्ते तक ठीक ठाक बनी रहती हैं। छोटी मोटी डस्टिंग तो एवरी डे चलती रहती है, बट हम लोग बहुत डीप डस्टिंग हर रोज़ नहीं कर पाते ना, इतना टाइम नहीं होता है यार, तो इसलिए मैं छुट्टी का दिन ढूंढती हूँ। अगर आपके घर में आर्टिफिशियल प्लांट्स या फ्लावर्स हैं ना, तो उन्हें क्लीन करने का एक बहुत अच्छा टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो मैंने हाफ बकेट फुल ले लिया है पानी, और इसके अंदर ऐड किया है शैम्पू। डिटर्जेंट नहीं ऐड कीजिएगा, डिटर्जेंट थोड़ा सा हार्श रहता है और उसको निकालना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। शैम्पू ऑन वन हैंड थोड़ा माइल्ड रहता है, सेकेंडली वो ईजिली धुल जाता है, और उससे आपके जो ये फ्लावर्स और प्लांट्स रहते हैं ना वो अच्छी तरह साफ़ तो हो ही जाते हैं, वो बिगड़ते नहीं हैं उनका शेप एंड साइज़, ऑल्सो भीनी भीनी सी खुशबू रह जाती है बाद में। बट शैम्पू कम ही डालिएगा। तो थोड़ा सा शैम्पू मैंने डाल दिया है, झाग कर लिए हैं, वास पहले साफ़ कर दिया, और इसके बाद इस तरह उल्टा करके मैं ये फ्लावर्स क्लीन कर रही हूँ। प्लांट है, अगर आप प्लांट क्लीन कर रहे हो तो उसे भी उल्टा करके ही करिएगा, इससे इनके पत्ते जो हैं बहुत ज़्यादा खुल के लटक नहीं जाएंगे। तो उल्टा इस तरह से पकड़ के मैं इसको साफ़ कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा देर इसको रिंस करते जाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसे लहरों में धो रहे हो पानी, इस तरह के मोशन देते हुए, मतलब लहरों में धो रहे हो फ्लावर्स, पानी कहा मैंने, सॉरी। हल्का हल्का इसको आप साफ़ कीजिए, सारी डस्ट वस्ट निकल जाती है। मैंने इसके सारे स्टेम जो है वो रबर बैंड में बांध दिए हैं जिससे निकल ना जाए, और ईजी हो जाएगा मुझे इसे सुखाने के लिए। तो अभी 2-4 मिनट में इसे साफ़ कर लूँगी। सोख करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है अनलेस बहुत ही ज़्यादा डस्ट जमा हो। नॉर्मली जैसे घर में होता है तो फिर आप इस तरह 5-1 मिनट में क्लीन कर सकते हो, बट आपको लगता है कि अगर ज़्यादा डस्ट हो गया है तो फिर 10-1 मिनट सोख करके फिर साफ़ करें, और उसके बाद एक बार से आधा बाल्टी जैसा पानी भर लीजिए साफ़ वाला पानी, और ये सभी चीज़ों को वापस से रिंस कर दीजिए। बस हो गए, और एकदम ये नए जैसे हो जाते हैं। बस ध्यान ही रखना, आपको इसे सीधा करके नहीं धोना है, ऐसे उल्टा करके ही धोइएगा, तो इसका शेप जो है वो ख़राब नहीं होता है। एक बार आपके आर्टिफिशियल फ्लावर्स या प्लांट्स वगैरह धुल जाते हैं ना, तो इन्हें झाड़ना नहीं है, एज़ इट इज़ कहीं पर इनको उल्टा ही लटका दीजिए, सारा पानी ड्रेन हो जाएगा और बड़ी जल्दी ये सूख जाते हैं। झाड़ना मसलना नहीं है इन्हें, तो आप बाद में देखिएगा एकदम ही बढ़िया इनका शेप निकल के आता है। तो जब तक वो सूख रहे हैं, मीनवाइल जो मेरी रह गई थी सफाई वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
और लंच में था बड़ा ही सिंपल सा दाल चावल। दोपहर में पता नहीं क्यों दाल चावल बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे घर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दाल चावल ही बनते हैं दोपहर में। एक तो फटाफट से बन जाते हैं, ऊपर से खाने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। जो बर्तन है वो तुरंत के तुरंत में धो के रख दूंगी। कुकर के अंदर ऐड कर रही हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल। मैं बनाने वाली हूँ हरे चना की सब्ज़ी, है मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छी लगती है। तो मस्टर्ड ऑयल जब तक स्मोक होगा तब तक मैं यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी। मैं यहाँ काट रही हूँ प्याज, दो प्याज ले लिया है मैंने मीडियम साइज़ के, और इनको ऐसे स्लाइस में काटेंगे। आपको अगर पसंद आता है तो बारीक काटिएगा, इस सब्ज़ी में ऐसे लंबे लंबे प्याज अच्छे लगते हैं। अब इसके बाद ये है ग्रीन गार्लिक, 3-4 ग्रीन गार्लिक मैंने ले लिया है, और इसके बाद इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल देंगे मिक्सी जार के अंदर, कुछ और चीज़ों के साथ मिला करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे, बेसिकली एक मसाला बेस बनाएंगे, और इससे इस सब्ज़ी में 4 चांद लग जाते हैं। अभी विंटर्स में ये जो ग्रीन गार्लिक है इजीली अवेलेबल है, आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं है तो फिर रेगुलरली जितना आप गार्लिक पसंद करते हो उतना गार्लिक डालिएगा। ये जो ग्रीन गार्लिक है ये नॉर्मल जो सूखा गार्लिक रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा जाता है। मैंने डाला है थोड़ा सा अदरक, और इसके बाद ये 4 थोड़े से स्मॉल मीडियम साइज़ के टमेटोज़ हैं तो ये भी मैं ऐड कर दूंगी। अब ये सारी ही चीज़ों को बिना पानी के जितना फाइन हो सके पीस लीजिए, एक पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल हो गया हमारा स्मोक, अच्छा खासा गर्म हो गया है, तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर प्याज। प्याज पहले डाल रही हूँ, डालना मुझे ज़ीरा था बट प्याज पहले डाल दूँगी जिससे तेल का टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस हो जाए, इसके बाद मैं ऐड करूँगी ज़ीरा। अगर ज़ीरा मैं पहले ऐड कर दूँगी तो वो बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा और फिर उसका एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट आएगा ग्रेवी में जो मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद डाल देंगे ज़ीरा। प्याज को अच्छा खासा ब्राउन कर लीजिए, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं, इस तरह का विल्ट डाउन ब्राउन हो जाएगा ऐसा। और उसके बाद जो मसाला भी पीस के था वो भी ऐड कर देंगे। अब ये मसाला आपको बहुत अच्छी तरह से भूनना है, मतलब इसकी अच्छी खुशबू आनी चाहिए, जो कच्चा गार्लिक का स्मेल है वो भी चला जाना चाहिए, और इसका कलर भी बदल जाएगा, दूसरा इसका क्वांटिटी भी रिड्यूस हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे काफ़ी मॉइस्चर इसका कम हो चुका है, तो अभी मैं इसमें फ़िलहाल जो ड्राई मसाला है ना वो डाल दूंगी, फिर इसको और भी ज़्यादा देर तक हम भूनेंगे। मैं यहाँ डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा छोले मसाला इसके अंदर, क्योंकि हम चना करी कर रहे हैं ना, काले चने की सब्जी भी आप बनाते हैं ना तो उसमें छोले मसाला डाल करके देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सारे मसालों को जो प्याज वाला टमाटर वाला मसाला था उसके साथ मिला करके थोड़ी देर भून लेंगे, इसकी रॉनेस चली जाएगी, तब तक थोड़ा सा पानी और मैंने ऐड कर दिया है। और अब ये जो मसाला हो गया है ना इसको हमें भूनना है तब तक जब तक ये थोड़ा सा दानेदार हो जाए, जब तक कि इसमें से तेल छूटता हुआ नज़र आए। देखें मसाला काफ़ी गाढ़ा हो गया है, बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, स्टेज पे ऐड कर देंगे इसके अंदर ये हरे वाले जो चने रहते हैं, छोलिया भी कहते हैं इसको, और बड़ी इजीली विंटर्स में ये कहीं भी मिल जाते हैं, इसकी हर रेसिपी माइंड ब्लोइंग बनती है। फिलहाल ये करी बना रही हूँ मैं, तो ऐड कर रही हूँ मैं थोड़े से आलू भी यहाँ पर काट कर, कच्चे आलू ही हैं ये। अच्छी तरह से आलू और चने को फोल्ड कीजिए मसाला में, इस प्रोसेस के दौरान 2-1 मिनट लगेंगे आपको और सब्ज़ी अच्छी तरह भुन भी जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब आप इसमें मिला दीजिए पानी उतना जितना आपको आपकी सब्ज़ी में ग्रेवी चाहिए, अगर आपको थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी चाहिए तो कम पानी डालें, थोड़ी ज़्यादा रनी चाहिए तो ज़्यादा पानी डालें, और एकदम ही सूपी बढ़िया चाहिए तो और थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हो आप। मैं यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, मैं इसके साथ करने वाली हूँ पूरियाँ, तो जो कंसिस्टेंसी हमें पसंद आएगी उतना मैं पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा सीजनिंग को एडजस्ट करते हुए नमक भी यहाँ ऐड कर देंगे, और इसके बाद ये जो सब्ज़ी है इसको रखेंगे ढक्कन लगाकर प्रेशर पे, 4 सीटियाँ आने तक पका लीजिए।
मिक्सी के जार के अंदर एक मुट्ठी जितना फ्रेश पालक मैंने ऐड कर दिया है। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो, बट एक मुट्ठी जैसा तो ज़रूर से लीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी मैं बढ़िया एकदम ही फाइन प्योरे जैसा बना लूँगी। अभी इसे रखेंगे साइड में। एक परात के अंदर मैं ले रही हूँ आटा। मेजरमेंट आपको बता देती हूँ, आप अगर एक कप गेहूं का आटा ले रहे हैं तो 1/4 कप मैदा यहाँ डाल दीजिएगा और 2 टेबलस्पून सूजी यहाँ ऐड कीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें छान लीजिए। अब इसके अंदर अगर आपको पसंद आता है तो अजवाइन डालिएगा, बट सब्जी के साथ अजवाइन वाली पूरी हमारे घर में पसंद नहीं की जाती। चाय अचार वगैरह होता तो अजवाइन में डाल देती, अदरवाइज आप डाल सकते हैं थोड़ा सा हींग, बिल्कुल 2 चुटकी जैसा। तो अगर आप अजवाइन डाल रहे हो तो अजवाइन डालिएगा, फिर हींग डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी रीजन से अजवाइन नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा हींग डालिएगा। अच्छी तरह सारी चीजें मिला लीजिए और इसमें आप पानी नहीं डालना है, जो पालक का प्योरी हमने रेडी करके रखा था वो ऐड करेंगे। पहले ये जो पालक की प्योरी है वो ऐड कर दीजिए और सारे आटे को इसमें उनस लीजिए। मिलाने की कोशिश कीजिए, आप फील कीजिए कि कितने और पानी की ज़रूरत है। शुरू से ही पानी ना मिलाएं, अच्छी तरह से जितना ज़्यादा हो सके आटा फोल्ड कर लीजिए प्योरी में, और उसके बाद जैसे आपको ज़रूरत लगती है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप ये एक सख्त आटा लगा लीजिए। मैं आपको बताती चलूँ, इसमें हमने डाला है सूजी, तो इस वजह से जो आटा आप जैसा भी लगाओगे ना उससे भी ज़्यादा सख्त हो ही जाएगा, बिकॉज सूजी बहुत ज़्यादा पानी अब्सॉर्ब कर लेती है। पूरी के लिए थोड़ा सख्त आटा लगाया जाता है और सूजी पानी अब्सॉर्ब करती है। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप आटा लगा लीजिए। इस आटे को हम कम से कम 20 मिनट का रेस्ट देंगे, सो दैट हमारी पूरी जो सूजी जो है ना वो फूल जाएगी, नहीं तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी पूरी में। तो इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, तो सूजी पानी भी अब्सॉर्ब करेगी, थोड़ी फूल जाएगी, बाद में जब आप उससे पूरी कीजिएगा तो बहुत ही क्रिस्पी पूरी निकलेगी। तो मैं यहाँ पे फटाफट से आटा लगा के तैयार कर लूँगी और इसे डेफिनेटली 20 मिनट्स मिनिमम का रेस्टिंग टाइम दीजिएगा। ये पूरियाँ सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, बट मैदा और सूजी डालने से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी एक्स्ट्रा टेस्टी बनती है। तो अगर आपको क्रिस्पी पूरियाँ पसंद है तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये मेथड। और कुकर को 4-1 सीटियाँ लग गई थी, इसके बाद मैंने कर दिया था गैस बंद। इसका प्रेशर अपने आप निकल गया, तब मैंने खोला है ढक्कन और ये देखें सब्ज़ी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। स्टेज पे थोड़े से आलू में मैश कर लूँगी जिससे सब्ज़ी थोड़ी सी यूनिफॉर्म लगेगी, क्योंकि चना जो है वो मैश नहीं होता है, तो जो थोड़ा सा रस्सा है ना वो अलग अलग रहता है, तो इसलिए आलू फोड़ करके थोड़ा होमोजीनस कर लेंगे सब्ज़ी को। और बहुत बढ़िया लगती है ये सब्ज़ी, शर्मा जी को तो बहुत पसंद आती है, आप ट्राई देना आपको भी अच्छी लगेगी। बस सर्व कर लीजिए इसको और सब्ज़ी गर्मा गर्म है, तुरंत ही तैयार करते हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। ये तो हो गई आलू हरे चने की सब्ज़ी, फटाफट से बना लेते हैं पूरियाँ। तो पूरी मैं ऑयल से ही बनाती हूँ, मतलब उसको बेलने के लिए मैं सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करती। इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ तेल से ही। तो छोटा सा बॉल ले लीजिए, मैं थोड़ी सी पतली और थोड़ी सी बड़ी पूरियाँ बना रही हूँ। आपके घर में जैसी पूरियाँ पसंद की जाती हैं आप उस तरह का बना सकते हो, थिक थिन छोटी या बड़ी। अगर आप पूरी को आटे से डस्ट करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन उससे है ना तेल बड़ा जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है और लास्ट की पूरियों में ना काले काले जो आटे के वो रहते हैं ना पार्टिकल, वो चिपकने लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पूरी का आटा काफ़ी सख्त रहता है ना,
तो वो तेल के साथ बेलने में काफ़ी ईजी हो जाता है। अगेन चॉइस आपकी, आप जैसे चाहें वैसे बेल सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया देखने में तो सुंदर लग ही रही हैं, ग्रीन ग्रीन, पर ये एकदम ही क्रिस्पी बनती हैं। मुझे तो पूरी के साथ कुछ भी खाने का मन नहीं करता, मुझे सिंस माई चाइल्डहुड पूरी ऐसे ही खाने में अच्छी लगती है। तो अगर मुझे दो पूरी खानी है तो मैं एक तो ऐसे फीका बिना किसी चीज़ के ही खाती हूँ, दूसरी को सब्ज़ी के साथ खाती हूँ। और ये पूरियाँ तो बिल्कुल उसी उसी मूड को सूट करने वाली हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए इसके साथ, ये एज़ इट इज़ अपने आप में बहुत क्रिस्पी, बहुत करारी और बहुत टेस्टी बनती हैं। आप ट्राई ज़रूर देना, आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली हैं दोनों चीज़ें। और मैं बस अभी अभी अपना डिनर कंप्लीट कर चुकी हूँ और शर्मा जी लगे हुए अपने कपड़े आयरन करने में। एक्चुअली उनको जाना है ऑफ़िस, वो काफ़ी दिन से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बट अभी उनके ऑफिस में ज़रूरी है उनके रीजंस। बच्चे लोग अपने रूम में चले जा चुके हैं एंड आई थॉट मैं आपसे थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। और पता है आजकल हमारे घर में नया शुरू हुआ है, मतलब शर्मा जी सॉन्ग्स प्ले करते हैं जब वो खाना खा रहे होते हैं। आई नो सॉन्ग्स नहीं चलाने चाहिए खाना खाते वक्त, ना बात करनी चाहिए, बट वो सॉन्ग्स मतलब वो सॉन्ग्स भी सुनते हैं, वो बातें भी करते हैं, सानवी कृष्ण से बातें नहीं करते हैं। वो जो बोल रहे होते हैं ना कि डूबे हम यहाँ, तो वो पूछेंगे कहाँ, वो जो भी बोल रहे होते हैं वो मतलब फन करने की कोशिश करते हैं, आगे आगे सवाल उनके चलते रहते हैं। और सानवी खुशी, मैं किचन में होती हूँ तो चिमनी ऑन करके मैं रोटी फुल्का वगैरह करती हूँ ना, ज़्यादातर कुकिंग में चिमनी ऑन करके करती हूँ, तो मुझे इधर उधर की आवाज़ें कम आती हैं। तो वो दोनों और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के, सानवी हम मम्मा को तो कह नहीं सकते थे ना कि कितना बुरा बना है, तुझे अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये कितना बुरा है। फिर शानू बोलेगी कि इतना ज़ोर से मत बोल वरना मम्मा आ जाएंगी और स्पैचुला से हमारी पिटाई कर देंगी। तो वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं सो दैट मुझे वो सब सुनाए दे। ये इन सब लोगों का अपना मस्ती करने का तरीका है। बाय द वे सब्ज़ी बहुत अच्छा बना था, स्पेशली तो पालक का पूरी, आई एम श्योर आप बनाते ही होंगे पालक का पूरी, सो कॉमन, बट ट्राई दिस सूजी वाला मेथड ना, इससे और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, आपको अच्छी लगेगी। और बस इसी के साथ आगे मैं इस वीडियो के एंड पर, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।